गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने संविधानवाद के बारे में पढ़ा, संवैधानिक सरकार क्या है के बारे में पढ़ा, संविधान व संविधानवाद किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, साथ ही संविधानवाद के क्या आधार हैं के बारे में पढ़ा, और आज हम पिछले उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधानवाद की विशेषताएं। यदि हम संविधानवाद की विशेषताओं पर गौर करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। सबसे पहले ये समझें कि मूल्य क्या होते हैं। यदि हम एक राजनीतिक व्यवस्था, विशेषतया जब हम एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहाँ मूल्यों से अभिप्राय उन आदर्शों से होता है जिन्हें कोई राष्ट्र अपने जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। इन सबको हम मूल्यों के अंतर्गत गिन सकते हैं। अतः जो संविधानवाद है उसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के जीवन दर्शन से है, अर्थात एक राष्ट्र अपने संविधान के माध्यम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है। संविधानवाद उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो कहीं ना कहीं हर राष्ट्र को प्रिय होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद जो है वो एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के मूल्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कोई भी संविधानवाद संबंधी अवधारणा मूल्य रहित नहीं हो सकती। संविधानवाद की दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद एक संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद की जो धारणा है वह जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई या गुथी हुई पाई जाती है, क्योंकि हर राष्ट्र के आदर्श, मूल्य व विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उस राष्ट्र की संस्कृति से संबद्धता रखते हुए संविधानवाद की जो अवधारणा है उसमें भी भिन्नता पाई जा सकती है। संविधानवाद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधानवाद की जो अवधारणा है वह गत्यात्मक है। गत्यात्मक अर्थात प्रगतिशील या प्रवाहमय, स्थैतिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है। संविधानवाद स्थायित्व को तो बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं वह विकास की जो राह है उस पर गतिशील भी है। यही कारण है कि जो संविधानवाद है वह प्रगति में बाधक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को प्रगति हेतु प्रेरित करता है। इसकी गतिशील प्रगति अति आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, जिससे जो समाज की राजनीतिक संस्कृति होती है वह विकसित होती है और यह समाज के जो प्रिय मूल्य हैं उनको कहीं ना कहीं एक अग्रिम पंक्ति में ले जाकर रखता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के साथ साथ एक गत्यात्मक अवधारणा भी है। संविधानवाद एक समभागी अवधारणा है। एक राष्ट्र के जो मूल्य होते हैं, विश्वास या राजनीतिक आदर्श होते हैं एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यताएं समान हो सकती हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता था, तो ऐसे में भारत ने कहीं ना कहीं जो संविधानवाद की अवधारणा है वो पाश्चात्य राष्ट्रों से अडॉप्ट की है। तो ऐसे में आपको ब्रिटेन या अमेरिका के जो पाश्चात्य मॉडल्स हैं संविधानवाद के, उससे संबंधित कई चीज़ें भारत के विकासशील राष्ट्र के मॉडल में भी मिल जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद एक समभागी अवधारणा है, अर्थात विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्गत एक समान विशेषताएं पाई जा सकती हैं। संविधानवाद एक साध्य से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह साधनों की पूर्ण अवहेलना भी नहीं करता।
फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के जो लक्ष्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो संविधानवाद में निहित होते हैं और इनकी प्राप्ति कहीं ना कहीं संविधान रूपी साधन से की जाती है। और संविधानवाद के अंतर्गत जो भी आदर्श या मूल्य सम्मिलित होते हैं, राज्य का प्रत्येक नागरिक या राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक उन्हें साध्य के रूप में स्वीकार करता है। संविधानवाद की एक जो लास्ट विशेषता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि संविधानवाद जो है वह संविधान पर आधारित अवधारणा है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार का संविधान होता ही है, अतः उस संविधान का अनुकरण करते हुए ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन ही संविधानवाद है। अतः कहीं ना कहीं, और हमने ये भी पढ़ा है कि संवैधानिक सरकार व संविधान संविधानवाद की पूर्व शर्तें हैं, अतः हम कह सकते हैं संविधानवाद एक अवधारणा है जो कहीं ना कहीं संविधान पर आधारित है, क्योंकि संविधान एक लेख है, एक लिखित लेख है, या जो कहीं ना कहीं सरकार पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था करता है और सीमित सरकार का समर्थन करता है। तो ऐसे में जो संविधान है वो निश्चित तौर पर संविधानवाद का आधार है, और संविधानवाद जो है वो संविधान पर आधारित एक अवधारणा है। संविधानवाद की इन उपयुक्त विशेषताओं का विवेचन करने के बाद हम ये देखते हैं कि संविधानवाद के विभिन्न मॉडल्स या विभिन्न अवधारणाएं क्या हो सकती हैं। इस संबंध में पिनाक व स्मिथ कहते हैं कि उदार लोकतंत्र जो हैं, यानी कि जो पाश्चात्य लोकतंत्र है, वही संविधान की सही अवधारणा है, लेकिन शायद ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। संविधानवाद जो है वो राजनीतिक समाज के आदर्श मूल्य और विचारधारा या मान्यताओं का हमें बोध कराता है। तो ऐसे में ये जो आदर्श हैं, ये जो मूल्य हैं, वो विभिन्न राष्ट्रों में या विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और जो भिन्न भिन्न संस्कृति वाले देश हैं उनमें निश्चित तौर पर संविधानवाद की जो अवधारणा है वह भिन्न हो सकती है। अतः उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के आधार पर जो संविधानवाद है उसकी तीन संभावित अवधारणाएं, या हम तीन मॉडल्स मान सकते हैं, उनमें सबसे पहला है संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, दूसरा हम लेंगे संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा, और तीसरा हम रखेंगे संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। अब हम एक एक को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा। निश्चित तौर पर यह उदार लोकतंत्रों की अवधारणा है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाश्चात्य संविधानवाद की जो अवधारणा है वह मुख्य तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर बल देती है। चूँकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफ़ी हद तक बल देती है, इसीलिए जो पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा है वह राजनीतिक शक्ति पर जो नियंत्रण है वो सुनिश्चित करने पर अत्यधिक बल देती है। यदि हम देखें कि पाश्चात्य संविधानवाद के दार्शनिक आधार क्या हैं, अर्थात किन लक्ष्यों को लेकर ये जो पाश्चात्य संविधानवाद है वो लेकर चलता है, तो इसके अंतर्गत हम व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं लोक कल्याण की साधना को रख सकते हैं। और यदि आप पाश्चात्य राजनीतिक जो पाश्चात्य संविधानवाद के उदाहरण देखना चाहें, तो इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसी जो उदार लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं हम उनको रख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक उत्तरदायी सरकार पर बल देती हैं और शासन व्यवस्था पर या शासन पर एक नियंत्रण और सीमित सरकार में अधिक विश्वास रखती है, ताकि जो नागरिक स्वतंत्रता है उसका किसी भी रूप में हनन न हो एवं आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके। अब हम आते हैं संविधानवाद की दूसरी अवधारणा पर। संविधानवाद की दूसरी जो अवधारणा है वह साम्यवादी अवधारणा है, जो निश्चित तौर पर पाश्चात्यवादी जो उदारवादी धारणा है उससे बिल्कुल अलग है। जो साम्यवादी हैं वो सरकार को
जो पूंजीपति होते हैं उनके हाथ की मात्र एक कठपुतली मानते हैं, और ये कहते हैं कि जो शासन होता है वो उनके हाथों में केंद्रित होता है, या जो राजनीतिक शक्ति होती है वह उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है। तो ऐसे में जो राजनीतिक शक्ति होती है वह मात्र धनिकों के हित साधन के लिए के रूप में कार्य करती है, उसमें जो सर्वहारा वर्ग है उसका कोई हित नहीं होता है। अतः ऐसे में साम्यवादी जो विचारधारा है वो इस समस्या का हल इस रूप में खोजती है कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, ताकि राजनीतिक शक्ति का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। और संविधानवाद के आदर्श को व्यवहार में कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाती है। और यदि आप साम्यवादी अवधारणा का उदाहरण देखें तो निश्चित तौर पर हम इसके अंतर्गत साम्यवादी जो देश हैं जिनमें हम चीन को या रूस को शामिल कर सकते हैं के बारे में हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन यदि सही मायनों में देखा जाए तो ये राष्ट्र भी कहीं ना कहीं साम्यवादी अवधारणा का, संविधानवाद की जो साम्यवादी अवधारणा है उसका सच्चा प्रतिबिंब प्रस्तुत या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं संविधानवाद की तीसरी अवधारणा, जिसे हम कहते हैं संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा। यदि हम कुछ प्रारंभिक लक्षण देखें संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा के संबंध में, तो संविधानवाद की यह जो अवधारणा है वह अभी भी निर्माण अवस्था में है, और यह संविधानवाद की एक मिश्रित प्रकृति रखता है। अर्थात ये न तो पूर्ण रूप में पाश्चात्य या उदार जो अवधारणा है उसको फॉलो करते हैं, ना ही पूर्णतया साम्यवादी को फॉलो करते हैं। इनका जो एक रूप है वो मिश्रित रूप मिलता है। संविधानवाद की जो विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा है वह आज भी प्रवाह के दौर में है, या ये कहा जाए विकास के दौर में है, और कई राष्ट्रों में ये दिशा रहित भी है। और ये जो विकासशील लोकतंत्र है ये इनके अंतर्गत हम उन समस्त राष्ट्रों को सम्मिलित करेंगे जो नव स्वतंत्र हैं, जिनको आप ये मानकर चले कि 1960 का या 50 का जो दशक था उनमें जिन नए राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिली या उपनिवेश के रूप में जो अपना जीवन कहीं ना कहीं व्यापन कर रहे थे और उन्हें एक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में हम गिनते हैं, तो ये सब जो विकासशील लोकतंत्र हैं इनमें हम उन्हीं राष्ट्रों को सम्मिलित करेंगे। लेकिन यदि देखा जाए तो इन राष्ट्रों की अपनी अनेक समस्याएं हैं। सबसे पहले तो जो जितने भी विकासशील लोकतंत्र हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थायित्व की समस्या से गुजर रहे हैं, वहाँ आज भी राजनीतिक स्थायित्व नहीं आ पाया है। आर्थिक विकास की समस्याएं भी अपने स्थान पर हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या भी है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में यदि आप देखें तो कई बार सैनिक तख्ता पलट हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आज भी वहाँ की राजनीतिक जो सत्ता है वो वैधता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण जो है उसकी प्रक्रिया में भी बाधाएं उपस्थित हैं, और जो राजनीतिक संरचना है और विकल्पों में चुनाव की समस्या भी आप देख सकते हैं। अतः निश्चित तौर पर संविधानवाद की जो तीसरी अवधारणा है जिसे हम विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा कहते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं एक समस्याओं के दौर से गुजर रही है। तो आज के संविधानवाद के लेक्चर में इतना ही, और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है, और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।